नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर चेन्नई प्रथम हेडलाइंस देश में बेकाबू महामारी 24 घंटे 2,33,943 पॉजिटिव महाराष्ट्र सर्वाधिक 63,729 आक्रांत आउ 1,338 जन जीवन रहा महामारी राज्य में भयंकर स्थिति में कोरोना आ चारि मुंड रहा महामारी आज 3,144 पॉजिट क्वारंटीन 1823 लोकाल 1,321 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 आक्रांत आज कठोर है कटक आज आसंता का 10 सीमांत जिले में सटडाउन विभिन्न छक चेकिंग कड़ाकड़ी सेपटे 20 जिले में आज नाइट कर्फ्यू राति 9 सका 5 जाए घर बाहर मन आज और काली श्रीमंदिर बंद बाहर भक्तों पर कठोर है नियम एंट्री दरकार 72 घंटार आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दुईट पर्याय टीकाकरण नहीं करें दर्शन गैंगस्टर प्रेम में तीन युवती फेरार पर भी प्रेमिका फोन में गपुला हाइदर नंबर ड्राग कर तेलंगानु गैंगस्टर को धरला पुलिस सेपटे हाइदर पॉजिट पर रिमांड स्थगित पुओ पछे पछे चलीगला मां कांग्रेस प्रार्थी अजित मंगराज मां क्षेत्रमणि देहांत भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल परलोक शेषे आईपीएल महासमर अष्टम मैच में पंजाब को जीत कला चेन्नई 6 विकेट रे पंजाब को हराइला चेन्नई सुपर किंग्स बुलेटिन आरंभ करिबा कोरोना संपर्कित खबर देश में बेकाबू कोरोना 24 घंटे 2,33,943 पॉजिट चिन्हट होती महाराष्ट्र सर्वाधिक 63,729 आक्रांत चिन्हट होती उत्तर प्रदेश 27,360 दिल्ली 19,486 छत्तीसगढ़ 14,912 पॉजिट चिन्हट होती केरल 10,031 कर्णाटक 14,869 मध्यप्रदेश 11,045 पॉजिट चिन्हट होती सेपरी आज देश में 1,338 जनकर जीवन नहीं महामारी वायरस राज्य में भयंकर होना स्थित आउ चारि मुंड ना महामारी बलांगीर झारसुगुड़ जड़े लेखाएं करोन आखि बुझिं राज्य में मोट मृत्यु संख्या 1942 को वृद्धि पाई से आज 3,144 करोना पजिट चिन्हट होती से क्वारंटीन 1,823 लोकाल केस रही 1,321 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 523 आक्रांत चिन्हट होती खोर्धु 497 नुआपड़ 395 पजिट चिन्हट होती बरगढ़ 156 संबलपुर 149 केन्दुझर 128 पुरी 129 आक्रांत चिन्हट होती सेभि झारसुगुड़ 119 नवरंगपुर 96 बलांगीर 92 जाजपुर 76 गजपति 67 गंजाम 44 लेखाएं पजिट चिन्हट होती भद्रक 51 अनुगुड़ 49 आक्रांत चिन्हट होती यहां मिसाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 3,64,594 को वृद्धि पाई राज्य में कठोर है कोविड कटक 10 सीमांत जिले में सप्ताहांत सटडाउन आज और आसंता काली सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी जिला सटडाउन होती विभिन्न छक और गलिकंदी में पुलिस पक्ष चेकिंग करम न मानले कड़ा कार्यानुष्ठान बढ़ुवा संक्रमण को दृष्टि रखी सब् जिलार सहरांचल में प्रति शनिवार और रविवार सटडाउन लागू हो और सटडाउन बेले टीकाकरण होना से आज 20 जिलार सहरांचल में नाइट कर्फ्यू जारी हेबो राति 9टा ठारु सकाळ 5टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू रहिबो एहा सह पूर्वरु नाइट कर्फ्यू चलिथिबा अन्य 10टी जिल्लारे संध्या 6रु सकाळ 5 पर्यंत नाइट कर्फ्यू चलिबो नाइट कर्फ्यू समय रे समस्त अत्यावश्यक सेवा जारी रहिबो सेपरि सीमांत 10 जिल्लारे आज आसंता काली सप्ताहांत सटडाउन लागू होइछे सीमांतवर्ती जिल्लागुडी को नै अधिक सतर्क होइछन्ते सरकार छत्तीसगढ़ पटु संक्रमणर भय थिबारु पश्चिम ओडिसार जिल्लागुडी को निज सीमा सिल करिछन्ते पड़ोसी राज्य मानकरे बढ़ुथिबा कोरोना स्थिति उद्वेगजनक रहिथिबा कारण सीमांत कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछि तबे संपर्कित अधिक सूचना पई हम सहित कुचिंडारु आम प्रतिनिधि सोम्यरंजन धळ जुड़ी होती समय किभळि रहिछि वर्तमान कोविड रो कटकणा
ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କଥା କହିବା ଗଲେ, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା କହନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ବିଥା କାରଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା ଆସିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କୋଭିଡ୍ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ସେହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟ, ଖାଁ ଖାଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଖାଁ ଖାଁ ଗଳିକନ୍ଦି, ଖାଁ ଖାଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତର୍କ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କଥା କହିବି, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତରଫରୁ କିପରି ଭାବେ ଲୋକମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବି, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପନ୍ତରା ମାରୁଛି, ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାସ୍କ କିମ୍ବା ଅମାନିଆ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଥା କହିଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଆସୁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ 100ରୁ 100 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କରୋନା ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହଁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଏଇ କରୋନା ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ରହିଛି ତାହା ମାନେ ଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କଥା କୁଚିଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କହିବେ, କୁଚିଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭୟାବହତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଖାସ୍ କରି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶନିବାର ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବଦଳି 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାକୁ ଯିବା, ରାଉରକେଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମୀୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି? ଅମୀୟ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କଟକଣା କୋଭିଡ କଟକଣା କିଭଳି ରହିଛି? ହୁଏତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, କିନ୍ତୁ ଅମୀୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ରାଉରକେଲାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ବାକି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଅମୀୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଅମୀୟ, ରାଉରକେଲାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କୋଭିଡ କଟକଣା ବା ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଏହା କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆଜି ସକାଳଠୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ବିଶ୍ରା ଛକରେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ପୋଲିସର, ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ରହିଛି, ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଟିଂରେ ପୋଲିସମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛଡ଼ାଯାଉନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚରା ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପାତକାଳୀନ ସେବା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୋକାନ ବଜାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆଉ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି କୌଣସି ସେବା ସବୁ ସେବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରାଉରକେଲା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରାଉରକେଲାରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାଖାପାଖି 523 ଜଣ, 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ।
अधिक तेणु यह दृष्टि रखी जो गाइडलाइन रही राज्य सरकार जो गाइडलाइन थी से गाइडलाइन अनुसार नाइट कर्फ्यू तो बलवत्तर रही कि जो साप्ताहिक सटडाउन दुई दिन धरी लागू कर शनिवार और रविवार तेज आज सकाठ यार संपूर्ण भाव लोक मैंने शतप्रभुत भाव पालन करते कारण राउरकेलार स्थित जो सांघातिक स्थित आसला जदि यह लोक मैंने न मानवे कि बेपरू भाव आग को यार कड़ाकड़ी से यार जो असुविधा कि विपद सामना करवाक पड़ो से लोक मैंने किसी मात्रा सचेतन है प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार किंतु वर्तमान लोक मैंने सचेतन अच्छा जो मैंने अमानिया रही जदि बाहर को आसुचान कौन कार्यानुष्ठान दि अमानिया रोचा कि बाहर को आसुचार दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण प्रत्येक जगार आज साढ़े पांचटार आम एस टी साहब ब्रिफिंग कराई सब अफिसर को बुझे प्रत्येक स्टाफ को बुझाई आम लोक भल भद्र व्यवहार करूँ भद्र व्यवहार कर प्रत्येक तीसटा जगार आम चेकिंग चलती प्रत्येक जगार आम सीनियर अफिसर मैंने सब अच्छा आम लोकों आई कार्ड देखा अति आवश्यक जिनस निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद अमय जो दृश्य आम देखुले जो कौटि ना कौटि पुलिस प्रशासन संपूर्ण भाव में प्रस्तुत रही जो मैं साधारण जनता को किभली सचेतन कर दिग्वे सचेतन कराने अमानिया रही है समान कार्यानुष्ठान दिखाई बहुत बहुत धन्यवाद अमय आपंकर समस्त सूचना और आलोचना पर आज आसंता काली जगा दर्शन बंद सप्ताह शनिवार और रविवार श्रद्धालु बंद श्रीमंदिर पुरी जिला व्यतीत बाहर भक्तों पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट किंबा टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक पुनर्बार भक्त मैंने क्योस्क मध्यम निजर परिचय पत्र कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखा श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करेंगे से हीपरि पूर्व भली सानिटाइजर मास्क व्यवहार उपर कड़ा कटक जारी कर श्रीमंदिर को जाता भक्तों पर भितर काठ दर्शन बंद कर बाहर काठ निकटर हो सर्वसाधारण दर्शन तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई वर्तमान आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी होती आलोक वर्तमान श्रीमंदिर दृश्य कौन रही कारण जेहेतु शनिवार रविवार पूरा कटकणा जारी हो भक्तों समागम व भक्तों आगमन को बंद कर दृश्य कौन आस चिन्मयी करोनार द्वितीय लहर आसवा पर वर्तमान श्रीमंदिर प्रशासन चिंता बढ़ी कारण जदि आम पुरी जिलार स्थिति देखा प्रायत 550 ऊर्ध कोविड संक्रमित बाहर सेवायत 10 जन सेवायत करोनार आक्रांत है गत काल छत्तीसा निजोग बैठक भर्चुआल मध्यम बैठक कर बैठक में मुख्य प्रशासक अध्यक्षता करते भर्चुआल बैठक में आम कहीपर नूतन मार्गदर्शिका जारी कर नूतन एसओपी जारी करो कथ कहते आज आसंता रविवार श्रीमंदिर बंद रही कि क्षमा करेंगे आज श्रीमंदिर बंद नहीं आसंता 24 तारीख ठारु प्रत्येक शनिवार और रविवार श्रीमंदिर बंद रहे पूर्व केवल रविवार श्रीमंदिर बंद रहुतला जेहेतु नूतन मार्गदर्शिका जारी कर 24 तारीख पर प्रत्येक शनिवार और रविवार श्रीमंदिर बंद रहे बड़ कथा होउची आसंता 19 तारीख ठू अर्थात सोमवार ठारु जो दूर दूरांतर जो भक्त मैंने आसवे राज्य बाहर जो भक्त मैंने आसवे से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को बाध्यतामूलक कर चार दिन भितर कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देखेबे तो निश्चित भाव में द्वितीय टीकार जो द्वितीय पर्याय नहीं थे अर्थात दुईट जाक डोज जदि नहीं थे से महाप्रभु को दर्शन करार अनुमति मिले आम सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए जेहतु आप देखुं आम श्रीमंदिर पाखे अच्छा जो होर्डिंग मराई होर्डिंग में सीधा सड़क लिखाई सदा बेले समस्त भक्त श्रद्धालु मानक मास्क पिंधा बाध्यतामूलक नूतन एसओपी में चिन्मयी सीधा सड़क मास्क को मैंडेटोरी कर सोशल डिस्टेंसिंग को मैंडेटोरी कर जो पूर्व जो एसओपी थी से ही एसओपी में सामान्य कोहल कर सामान्य पर निश्चित भाव में आहरी दृश्य देखा चाहिए कियोस्क आप जानते जिते बड़े मार्च मस 2020 मार्च मसते संपूर्ण रूपे श्रीमंदिर बंद कराला और दीर्घ 10-11 मास पर जिते श्रीमंदिर खोलना से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक पड़ा जो भक्त श्रद्धालु मैंने आसर परिचय पत्र नहीं आसे सांगे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने जो कियोस्क अच्छे आप सीधा सड़क दृश्य देखुंत ये कियोस्क परिचय पत्र को जांच करेंगे फटो से स्कानिंग तो निश्चित भाव में श्रीमंदिर भितर अनेक कटका कर किभली भाव में कौन पलिथिन जीवन पान
पान खाई कौन सेवायत हूँ भक्त हूँ छेप पकड़े से तंड गणवाक पड़ो पान खाइले 500 टाँचा तंड गणवे और पलिथिन जबत हेल्ले 100 टाँचा तंड जल तंड गणवे और श्रीमंदिर भितर दीप जलिया मना एक श्रीमंदिर भितर एकाठी गहली करवा मना केवल आनंद बजार बस महाप्रसाद भक्त मैंने खाई तो निश्चित भाव में कौटना कौटी आम कहीपर भक्त मान स्वास्थ्य को दृष्टि रखिकी बर्तमान श्रीमंदिर प्रशासन और राज्य सरकार गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं आलोक कोटिना कोटी आम देखिए पूर्वथर जो भाव में पूरा श्रीमंदिर बंद रही थी भक्त भगवान समस्ते दूर से थे जहाँ को दृष्टि रखी वर्तमान जेहेतु कोरोना संक्रमण वृद्धि घटुची से सरकार एक निष्पत्ति नौचंती एसओपी माध्यम रे समस्त दर्शक जो भक्त माने रही भगवान को दर्शन करूँ बोली अनुरोध करुँ बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपण समस्त सूचना एवं चित्र पर गैंगस्टर हैदर कोविड पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट आक्रांत थिबा सूचना मिली पॉजिटिव चिन्हट पर हैदर को 14 जेल रे आइसोलेशन रे रखा जाई तेबे हैदर पॉजिटिव जोगु आज आरंभ होथिबा रिमांड को स्थगित रखा जाई थिबा कटक डीसीपी सूचना दिछन्ति पुलिस को फेरार हैदर सुराग देथिला ता निज प्रेम कहानी गोटिए कि दुई जण नुहे हैदर प्रेम रे पड़िछन्ति तीन जन युवती फेरार पर भी हैदर भिन्न भिन्न मोबाइल नंबर रु निज प्रेमिका लगातार संस्पर्श में रहुला हैदर जड़े प्रेमिका फोन कल को जांच करू करू राज्य बाहर 6 नंबर रु पाखक फोन आसुवा जानवाक पुलिस एवं नंबर टी तेलंगानार बोली स्पष्ट होता यहपर पुलिस तीनो जाक नंबर को सर्विलांस को नेपर अगर दुईट नंबर बाबद सुराग मिलता 13 तारीख सुधा पुलिस को हैदर गतिविधि सविशेष सूचना मिलवा पर से ही दिन ही तेलंगाना जाइला कटक कमिशनरेट पुलिस एक टीम हेले पुलिस सेठे पहुंचा बेलू हैदर तेलंगानार निज ठिकना छाड़ सांगारेड्डी जिला को चली जाता हेले प्रेमिका मान वार्तालाप कि जारी रखी से ही फोन कल्रु लोकेशन डिटेल पाइबा 15 तारीख संध्या बेले हैदर को काबू कर पुलिस बड़ कथा हो गैंगस्टर प्रेम में पड़ता तीन युवती मध्य जनक बयस 18 वर्ष होता बेले आउ दुईज बयस यथाक्रमे 22 और 26 एमंधर जड़े भोगराई बालेश्वर बासिंदा होता बेले जड़े पट्टामुंडाई आउ जड़े महांगा बासिंदा रोचक कथा एहिकज युवती को हैदर भल पाला सत कि कहारी को भी अगर दुईज बाबद अवगत कराइन गैंगस्टर गायब पछरे कहार हाथ एते बड़ घटना पछरे जेल विभाग भूमिका को नहीं प्रश्न किंतु मुखिया मुहरे तुंडी गोटे पटे छोट को निलंबन करपटे बड़ बड़िया विरोध में ना तदंत ना कार्यानुष्ठान एभली स्थित में संतोष को किए सुरक्षा देखने प्रश्न कहीं चुप बसी संतोष उपाध्याय संतोष उपाध्याय भूमिका सन्देह घेर संबलपुर जेल रु हैदर आसीथिबा बेले कहीं कमिशनरेट पुलिस को दि जा नथिला खबर एते बड़ ग्यांगस्टर आसीबा बेले जो एसओपी पालन करा कथा ताहा कहीं करा जाई नथिला आउ जेल विभाग हैदर को चिकित्सा पाई जदि कटक बड़ मेडिकल को आनीथिले ताहेले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कहीं करि नथिले अन्यपक्षरे जो पुलिस कर्मचारी मानकु सुरक्षा दायित्व रखा जाइथिला तार मॉनिटरिंग करथिले संतोष उपाध्याय कहा परामर्श रे सुरक्षा दायित्व रे थिबा सुरक्षाकर्मी लॉज रे रहउथिले याकु नै प्रश्न उठितबा बळे विवाद को आसिछंती जेल विभाग डीजी संतोष उपाध्याय एते बड़ गैंगस्टर को जने सुरक्षाकर्मी केमिति सुरक्षा देबो यार हिसाब कोन संतोष उपाध्याय को जणा नथिला कमिश्नरेट पुलिस रो सहायता काहे कि नेले नाही संतोष उपाध्याय आउ गैंगस्टर कटक बड़ मेडिकल को आसीथिबार खबर डीजीपी अभय को जणाइथिले कि संतोष उपाध्याय बाबू याकु नै बड़ प्रश्न सृष्टि होइथिबा बेले विवाद घेर को आसीछंती जेल विभाग डीजी ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बहु बाद प्रतिवाद परे भांगिला राज्य सरकार को नीत बरगढ़ कैंसर हॉस्पिटल को मिलला राज्य सरकार को मंजूरी एने खर्च हेब 10,49,21,000 टंका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग हॉस्पिटल निर्माण को अनुमोदन देछि
खोर्धा जिला कुहुड़ी अंचलरु गोरु बोझे पिकअप जबत गाड़ी रु 10टी गोरु जबत सह जणको अटक रखी पुलिस गोचालाण नहीं खबर मिलवा पर एसडीओ नेतृत्व में पुलिस कुहुड़ी अंचल चढ़ाव कर गोरु बोझे गाड़ी को काबू कर पुलिस छत्तीसगढ़ ओडिशा को ट्रेन को चलाचल बंद नहीं पुणी चिट्ठी लिखिले राज्य सरकार मुख्य शासन सचिव एने केन्द्र गृह सचिव को चिट्ठी लिखिंट 8टी स्वतंत्र ट्रेन छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य यात्रा करुच्छे पड़ोसी छत्तीसगढ़ में बढ़ुवा संक्रमण को दृष्टि में रखी ट्रेन चलाचल बंद करने को अनुरोध कर राज्य सरकार अति कम्रे 15 दिन ट्रेन चलाचल बंद करने को अपील कर मुख्य शासन सचिव पूर्व छत्तीसगढ़ ओडिशा को ट्रेन चलाचल बंद करने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखि राज्य सरकार किंतु रेल मंत्रालय तरफ आग्रह कर दिया जाए थिला समस्त अच्छे बुलेटिन को एठ रखु नमस्कार।